अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज जिस टोटके की या जिस नुस्खे की बात मैं शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी में बहुत इफेक्टिव रहा। इसने मुझे हर वो चीज चाहिए जो मुझे चाहिए थी उस वक्त, पैसा, इज्जत, शोहरत, आसानियाँ वगैरह वगैरह, लेकिन इसके साथ इस नुस्खे ने मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाया, पॉजिटिव और मुस्बत तब्दीली। और आई होप कि आज जब ये मैं शेयर करूं तो ये आपकी जिंदगी में भी वो पॉजिटिव तब्दीली लाए। हर डॉक्टर कोई भी नुस्खा देने से पहले ये जरूर कहता है कि यकीन रखना कि तुम ठीक हो जाओगे और इसको रेगुलरली यूज करना टाइम पर। तो मेरा भी आपसे सिर्फ ये है कि इसको रेगुलरली टाइम पर यूज करें और इस पर यकीन रखिएगा। ये जो नुस्खा है, ये फॉर्मूला, ये एक यूनिवर्सल लॉ है जिसे हम सब जानते हैं, जिसे मकाफात अमल यानी कि कर्मा बुद्धिश या संस्कृत में से कहा जाता है। मकाफात अमल होता क्या? मकाफात अमल की एक सिंपल एग्जांपल ये है कि जब हम एक खुली बिल्डिंग में जाते हैं और हम जोर से आवाज देते हैं तो वो आवाज वापस इको होती है और हमें अपनी आवाज सुनाई देती है। ये दुनिया, ये अल्लाह ताला की कायनात, ये भी इसी रूल पे चलती है। जो चीज हम भेजते हैं वही चीज हमारे पास वापस आती है। जो बीज हम बोते हैं वो बीज ही उगता है। ये मकाफात अमल का लॉ हमारी जिंदगी में, हम सब की जिंदगियों में अमल करता है। वैसे तो हम एक चीज कहते हैं कि क्यामत के दिन सारे हिसाब होंगे, लेकिन ये हिसाब यहाँ भी होते हैं। एनीवेज, अगर आपको जिंदगी में कुछ भी चाहिए तो ये लॉ आपकी ताकत बन सकता है। कैसे? आपको पैसा चाहिए, आप लोगों को पैसा दें, आपके लिए पैसा वापस आएगा। गरीबों की मदद करें, आपका पैसा वापस आएगा। आपको अपनी जिंदगी में आसानी चाहिए, लोगों की जिंदगियों में आसानियां लाएं, आपकी जिंदगी में आसानी आएगी। आपको इज्जत चाहिए, आप लोगों को इज्जत दें, इज्जत आपके पास आएगी। आपको मोहब्बत चाहिए, आप मोहब्बत दीजिए, मोहब्बत आपके पास आएगी। गर्ज के जो चीज आप भेजेंगे इस मकाफात अमल में, वो चीज वापस रिपेल करेगी। इस लॉ में यही है, जो आप भेजते हैं वो वापस आता है, कभी ना कभी जरूर वापस आता है। सबर वो दवाई है इसमें जो बहुत जरूरी है। ये रूल, ये लॉ आपकी जिंदगी में एक बेहतरीन चेंज लाएगा, प्लस ये आपको सब कुछ हो जाएगा जो आपको चाहिए। बिलीव करें, ये होता है। मैं आज की इस छोटी सी एपिसोड का एंड रूमी के कोट से करूंगा। वो कहते हैं, हमदर्दी, अगर हमदर्दी ही करनी है तो बारिश की तरह करो, ये सोच के ना कि किस पे गिरे और किस पे नहीं। तो इस कोट के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने आसपास के लोगों पे हमदर्दी करें, उन पे खुशियां बरसाएं ताकि आपकी जिंदगी में खुशियां बढ़े। अता शाह साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।